तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुख्यन्ते यम सूरय तेजो वारिं दम्य था विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकवर्गं सत्यं परं धीमहि सृष्टि स्थित्यप्यहेय नियति दृशितमो बन्धमोक्षाश्च यस्मात् अस्य श्री ब्रह्मरुद्र प्रभृति सुरनर द्वेष शत्रुआत्मकस्य विष्णोर्व्यस्ता समस्ताः सकल गुणनिधिः सर्वदोष व्यपेतः पूर्णानन्दोक्तयो यो गुरुरपि परमश्चिन्तयेतं महान्तम् धर्म प्रोच्छित कैतवोत्र परमः निर्मत्सराणां सदा वेद्यं वास्तवमत्र वस्तुचिवदं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुद्धते प्रकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तक्षण निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखात् अमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसं आलयं मुहुरहो रसिका अभूरि भावुका अप्रमं भंगरहितं अजडं विमलं सदा आनंदतीर्थमतुलं भजे तापत्रयाभा भवदीयदनुभावादेनमो कोऽपि वग्मि जडमतिरपि जन्तुर्जायते प्राज्ञमूलि सकलवचनचेतो देवता भारती स मम वचसि निधत्तां सन्निधिं मनसे च अस्मद्गुरुसमारम्भां टीकाकृत्पादमध्यगा श्रीमदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परा विद्यायां विबुधाचार्यं वेदज्ञानाभ्युचन्द्रं दुर्मतध्वान्तमार्ताण्डं सत्यस्थानमलिं पञ्चाशद्वर्षपर्यन्तं सततं रामपूजगा श्रीसत्यप्रमोदगुरुरात् भासतां नो हृदम्बरे यैरहं सम्यक् शिक्षितोऽस्मि कृपालवे तान्वन्दे श्रीसत्यात्मगुरुभ्यो नमः यैरहं शुकवत् सम्यक् शिक्षितोऽस्मि कृपालवे तान्वन्दे धेनुपाचार्यान् तत्त्वज्ञानार्थसिद्धे श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम् हरिः ओम् हरिः ओम् स्वस्तिस्तु लसेट्सन्मङ्गलानि सन्तु श्लोकैकश्रवणपठनमात्रे वक्तुश्च श्रोतॄणां निखिलकलिकृतकल्मषापनोदनपुटकरे धर्माद्यखिलपुरुषार्थसाधने भूते अद्य श्रीमद्भागवते भागवतकथारम्भे सति किञ्चित् पूर्वकथा नमः हरिः ओम् हरिः हरिः भगवान् का ध्यान किस तरह करना चाहिए पूरे संसार को भगवान की मूर्ति मानकर संसार के 14 लोकों को एक एक अंग के रूप में कल्पना करके भगवान का ध्यान करना चाहिए क्योंकि यह आसान है। कुछ भाग दिखाई देता है, कुछ भाग हम अनुमान कर सकते हैं। इस तरह के ध्यान को आधुनिक साइकोलॉजी में नोन टू अननोन थ्योरी बोलते हैं। जो मालूम है उससे जो मालूम नहीं उससे और जाना, इसको वैराज्य धारणा कहते हैं, विराट रूप धारणा। और दूसरी बात मैंने कल कहा, हर एक चीज में भगवान को देखना शुरू करो, क्योंकि हर एक चीज का वह स्वामी है। उस चीज का नाम भी भगवान का ही है और उस चीज का प्रेरक भी वही है। तन्नामक तन्नियामक
तत्प्रेरक, उसे बोलते हैं अंतर्यामी धर्म। और बाद में भगवान को हमारे जैसे ही हाथ हैं, पैर हैं, मुख है, कान, नाक, सब ऊंचे हैं, अति सुंदर अति सुंदर एक रूप का ध्यान उनके पदतलों से लेकर के सिर तक ध्यान कीजिए, उसका विस्तृत विवरण आपने कल सुना। यह जैसे आगे बढ़ते ही जाता है वैसे संदर्भ में आदमी एक विशिष्ट ध्यान का विधान है, उसे कहते हैं यौगिक ध्यान। लेकिन इसे गुरु के चरणों में बैठ करके गुरु के द्वारा उसे सुनना पड़ता है, सीखना पड़ता है। यह यौगिक ध्यान इस तरह का है, हमारे शरीर के मध्य भाग अर्थात दोनों विसर्जन अंगों के बीच का जो भाग है उसे मूलाधार कहते हैं। मूलाधार का मतलब है हमारा स्पाइनल कॉर्ड जो है जहां से शुरू होता है, तो वहां एक केंद्र है, उसे यौगिक शास्त्रों में चक्र बोलते हैं, षटचक्र चिंतन। और वहां चार दल के पांच कमल के फूल है, कल्पना करो। और वो चार दल हैं, मैंने पहले ही दिन कहा अ से लेकर सभी के सभी अक्षर भगवान को हमें बता देते हैं। अभी अंतिम अक्षर लीजिए, वो बोले मन, मतलब मन में बोले या जोर से भी बोल सकते हैं, ध्वनि कहां से निकलती है अर्थात नाभि से नीचे से व आता है, व श श स, पीछे का पेट अंदर दबता जाता है। तो उस समय वामन शांत संहित पशटकार आदि भगवान के जो रूप है, मैं हरेक का पूरा विस्तार नहीं दूंगा क्योंकि इन अक्षरों के रूपों को वह गुरु शिष्य उपदेश के रूप में ही उपासना करना रहता है, सिर्फ मैं सूचना दे रहा हूं। इन चार अक्षरों से व श श स, व के नाम से एक कमल और श के नाम से एक कमल, श के नाम से एक कमल और स के नाम से एक कमल, लेकिन कमल की संख्या अलग होती है, उसके पंखुड़ियों की संख्या अलग हो जाती है, लेकिन कमल की संख्या पांच ही होती है। ये पांच कमल कौन से हैं? आप दो तीन दिनों से सुनते आ रहे हैं नारायण वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध। एक व्यक्ति है सर्वोत्तम सर्वप्रेरक, दूसरा व्यक्ति है हमें आधार देने वाला, तीसरा व्यक्ति है हमारे सभी फलों को लेकर के हमें एक सुव्यवस्थित रूप में रखने वाला, और चौथा है ज्ञान देने वाला, पांचवा है सुख देने वाला। नारायण वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध।
उसके बाद हम नाभि तक आएंगे, अर्थात हमारे पीठ का यह जो स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड और नाभि के बीच में एक केंद्र है, उस केंद्र में उसका सीधा संपर्क हमारे ब्रह्मरंध्र से, उसे कहते हैं सुषुम्ना नाड़ी। और एक है दाहिने से बाएं तक जाकर के स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंच जाता है, उसको इड़ा नाड़ी हम कहते हैं। और बाएं ओर से दाहिने ओर से लेकर के स्पाइनल कॉर्ड तक जाता है, उसे पिंगला कहते हैं। उसी तरह पीछे से दाहिने ओर से बाएं ओर तक अरियका और वज्रिका, ये चार नाड़ी, चार नाड़ियों के बीच में है सुषुम्ना नाड़ी। उस सुषुम्ना नाड़ी में एक चक्र है, इसकी उपासना करते करते एक जन्म में अनेक जन्म तक जब हमारी साधना पूर्ण होती है तो उस नाड़ी से ही हम अपने प्राण को छोड़ देना, उसे कहते हैं योग से प्राणों को छोड़ना। जब इस तरह योग से हम प्राण छोड़ते हैं वही हमारा अंतिम शरीर रहेगा और बाद में हम इस संसार को नहीं आए। अभी सिर्फ अभ्यास करने का है, हमारी साधना कब पूरा होगी, भगवान हमें एक ऐसे गुरु को हमारे साथ पास भेज देगा और कहेगा कि तुम इस मूर्ति को ध्यान करो जो हमारे स्वरूप शरीर से लेकर हमारे बिंब मूर्ति है, हम उसका प्रतिबिंब है, उस मूर्ति के ध्यान के बाद ही हम मोक्ष दे सकते हैं। लेकिन उस मूर्ति का स्वरूप बनाने के लिए हमारे नियत गुरु हैं, साधना करते रहना चाहिए, एक जन्म भी हो सकता है, हजार जन्म भी लग सकते हैं, उसका हम कोई विवरण नहीं दे सकते। तो नाभि के साथ के जो चक्र है उसका नाम है स्वादिष्टान। स्वादिष्टान नाभि और वह पीठ की जो उसके स्पाइनल कॉर्ड जो है उसके बीच है, उसमें छह दल के पांच कमल है। उन छह दलों में ब भ म य र ल, ब भ म य र ल, ऐसे छह अक्षर। मैं बहुत विस्तार नहीं करूंगा क्योंकि इसमें कोई कहानी नहीं, इसलिए इंटरेस्ट नहीं आएगा, लेकिन इसे जान लेना आवश्यक है। योग्य गुरु को बनाइए, उनके पास जाकर के इस उपासना की उपासना का उपदेश लीजिए, वे आपको पहले तत्वन्यास, मातृका न्यास आदि सिखाएंगे, बाद में कुछ भगवान के नामों का उपदेश आपको देंगे, मंत्रों का उपदेश देंगे और उसके साथ इस योग क्रम को आपको सिखाएंगे। गुरु को बनाना जरूरत क्या है, किताब मिलते हैं, अनुवाद मिलता है, आजकल गूगल में सब कुछ मिलता है, तो गुरु की क्या जरूरत है। नहीं, यह जो भगवान की साधना है यह हमारी शक्ति से हमें मिलने वाला नहीं, एक गुरु को बनाइए, गुरु अपने तपस्या की शक्ति आप में ट्रांसफर करते हैं, इसे कहते हैं शक्तिपात।
और गुरु भी एक दिन में नहीं करते हैं, अनेक दिनों तक आपकी परीक्षा लेंगे कि यह योग्य है कि नहीं, क्योंकि अपनी शक्ति उनको देने का है। हम 10 रुपये देने के लिए 10 बार सोचते हैं, तो अपनी शक्ति जो उद्धार शक्ति है तो देने के लिए उस दिन आपकी सेवा भी मांगते हैं, देखते हैं, तब वो उपदेश देते हैं। तो उपदेश के साथ यह उपासना हमें शुरू हो जाती है, इसे कहते हैं योग उपासना। लेकिन आजकल सब कुछ नाटक चल रहा है, हर एक गांव में योग सेंटर, राजयोग सेंटर, वह योग सेंटर, ए योग सेंटर, और वहां पर लिखा हुआ रहता है एडवर्टाइजमेंट में आपको 3 दिन 3 महीनों में 1 साल के अंदर कुंडलिनी चक्र की हम जागृति करके आपको हम मोक्ष तक पहुंच जाएंगे। ऐसा नाटक, उपदेश नाटक नहीं होता। और गुरु के बिना हम रहेंगे, हमारी सारी साधना कैसी होगी? बिना सिग्नेचर के चेक का मूल्य क्या है, उतना ही साधना का मूल्य है। चेक है, लिखा हुआ है 1,000 करोड़ 10 करोड़ लाख अरब, लेकिन उसको सिग्नेचर ही नहीं है। बैंक में इसका मूल्य कितना है? कूड़े का जो भाग है। गुरु के बिना, गुरु बिना गुलाम नागद तनक दुर्योधन। गुरु गोविंद दू खड़े ताके लागो पाए। गुरु भी है, हमारे भगवान भी है, दोनों साथ में खड़े हैं। हमें संदर्भ आता है कि मैं कैसे पहले नमस्कार करूं। गुरु भी साक्षात देवता है, गोविंद भी हमारे आराध्य देवता है। तब भगवान बताते हैं पहले वहां, बाद में वहां से मेरे पास आए। प्राइवेट सेक्रेटरी की अनुमति के बाद अंदर मैनेज करके कैबिन में आपको प्रवेश मिलता है। भगवान के पास जाने के लिए प्राइवेट सेक्रेटरी हैं गुरु, क्योंकि वे ही हैं हमारे अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने वाले। गुशब्दस्तु अंधकारस्य गुशब्दस्तन्यवारक। इसके लिए स्वादिष्टान चक्र में 6 अक्षर, और यह चक्र कहां है उसको उच्चारण करते समय हाथ रखिए, नाभि के ऊपर हाथ रखिए, ब, हाथ को आपको वाइब्रेशन आपको आता है, ब भ म य र ल, मतलब हर एक अक्षर भगवान का नाम, इसका प्रैक्टिकल रूप है। और यहां भी 5 कमल, वह कमल है नारायण वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध। अभी आरंभ में इतना ही ध्यान देता है, बाद में गुरु के पास आप बैठेंगे तो ब का मतलब है बलि, बलवान भगवान। वह बलि के भी 4 हाथ हैं, शंख चक्र गदा पद्म है। हर एक रूप में पहले चक्र है तो वहां पर शंख आ जाएगा, चक्र आ गया, गदा पद्म आ जाएगा, पद्म गदा शंख चक्र यह बदलता जाए, जैसे केशवादी रूप में बदलते जाएगा। इन मातृका रूपों में ही वह रूप बदलता जाएगा, उनका कलर अलग, बलि का कलर अलग और दूसरे रूप का कलर अलग, और उसके साथ बलि और नारायण का क्या संबंध है, नारायण बलि में, बलि नारायण में, और बलि का वासुदेव का संबंध,
बलि का संकर्षण संबंध, बलि का प्रद्युम्न से संबंध, बलि का अनिरुद्ध से संबंध। इस दो चार सालों के अभ्यास का विधान, इसे करने वाले ही योगी कहलाते हैं, इसी को आगे बढ़ाकर लेके जाने वाले ही ऋषि कहलाते हैं। और वे हमेशा हर क्षण अपने हृदय में रहने वाले भगवान का दर्शन भी लेते हैं। उसके बाद छाती के नजदीक आ जाइए, वहां पर 10 दलों का हाथ लगाइए, द ध न त थ द ध न प भ, यहां से स्वर ऊपर आगे निकलता है, उन अक्षरों के भगवान के रूप। फिर 5 कमल, वे भगवान और नारायण वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध का संबंध, उनके रूप, उनका कलर, उनका ध्यान आगे बढ़ता चला जाए। वैसे तो उसका सामान्य परिचय देने के लिए मुझे और 4 दिन चाहिए, तो तब भागवत को यहीं पर ठहरना पड़ेगा, उसी के बारे में आगे बढ़ना पड़ेगा, लेकिन ज्यादा लाभ नहीं होगा। सिर्फ इतना मैं क्या बता रहा हूं कि हमें अध्ययन करने का पोर्शन कितना और भी आगे है। हम समझते हैं कि भगवान का नाम लिया हो गया, नहीं, हमें सीखने का पोर्शन पूरी जिंदगी में, जिंदगी भी कम पड़ती है तो भगवान के महिमा को सीखने के, समझने के। ऐसा एक नाम लिया, भगवान मिले, भगवान का दर्शन हुआ, क्या भगवान सिंगदाना पुठाना के जैसे क्या दुकान में मिलने वाले व्यक्ति हैं? जिंदगी भर उनके पीछे पड़ना पड़ता, उसके लिए कोशिश करनी पड़ती है, उनकी महिमा का अध्ययन करना पड़ता है, उसका चिंतन करना पड़ता है। उसके बाद हम आएंगे यहां तक, उसे कहते हैं अनाहत चक्र, अनाहत चक्र। वहां 12 दल के 5 कमल, क ये हाथ लगाइए, क ख ग ध न च छ, आपको आपको अंदर के ध्वनि का लगता है कंठ, और उन अक्षरों के लिए वाच्य भगवान, उनका नाम क्यों नहीं ले रहा हूं, ये सब शुद्ध एकदम शुद्धि में मड़ी में बैठ करके इनका उच्चारण भी करना पड़ता है, इसलिए समूह में नहीं, इसे अक्षर बता रहा हूं। उनका उस रूप का नारायण का क्या संबंध है, नारायण शब्द का अर्थ क्या है, इस शब्द का अर्थ है, यह अर्थ इसमें कैसे संयोजन होता है, इसको कहते हैं रूप उपसंहार, रूप उपसंहार उपासना। कठिन नहीं है लेकिन गुरु के द्वारा सीखना पड़ता है। उसके बाद यहां इसे तालमूल कहते हैं, तालमूल कहते हैं, यहां 16 दल 5 कमल है, हाथ लगाए, अ आ ई ई उ उ ए ए ओ औ हम आह अम्हा में औध, अम्हा भी है तो और भी अंदर से आता है। मैं क्यों बता रहा हूं कि उपासना क्रम या प्रैक्टिकल है,
कोई चंदा मामा के फैंटम की कथा नहीं है भागवत, हमें रोज प्रैक्टिस में लाना और हम हमारे जिंदगी में लाने की हमें कोशिश करनी। ये इन अक्षरों के स्वरूप और उसके बाद तो वहां का उसे उसका नाम है विशुद्ध चक्र। चक्र का मतलब है सेंटर, उस सेंटर में भगवान फिर नारायण वासुदेव संकृष्ण प्रद्युम्न दुग्ध के रूप में इन रूपों के साथ अपने गुणों का संवार करते, पहले रूप संवार बाद में गुणों का संवार उपसंहार वह उपासना आगे बढ़ती जाती। इसलिए यह जो भी उपासना है हमारे स्वामी जी के जैसे व्यक्ति रोज करते, इसलिए उनके दर्शन से हमारे पाप दूर हो जाते, उन्हें नमस्कार करने से हमारा भाग्य खुल जाता है, उनके हाथों से अक्षता लेने से हम भगवान के पैरे बनते हैं। इसके लिए गुरु चाहिए और उसके बाद अंतिम यहां से पीछे के बीच में अंदर में दो अक्षर के पांच कण, दो पंखुड़ियों के वहां पर एक एक पंख में एक अक्षर, हाथ लगाइए हम सम हम सम हंस सो हंस। उसके बाद हमारे इस से लेकर के छह अंगुलों के ऊपर एक सहस्र दलों का हजार पंखुड़ियों का एक कमल है सहस्रार चक्र। उस सहस्रार चक्र में भगवान एक एक पंखुड़ियों में विश्वम विष्णु पशटकारो भूत भव्य भवत प्रभु, विष्णु सहस्र नाम कहते समय अपनी दृष्टि यहां पर रखे बोलते जाइए, आपको लगेगा कि वह ध्वनि का तरंग ऊपर जाकर मेरे ओर आ रहा है, नहीं तो तेरा विश्वम विष्णु भूत यह पारायण नहीं। शुकाचार्य कहते हैं परीक्षित प्राण निकलने से पहले इसकी उपासना करते जाओ करते जाओ, जिस दिन तुम्हें प्राण छोड़ना है बस अपने श्वासों को रोको, 10-15 मिनट के बाद श्वास रोकने के बाद आपको लगेगा श्वास यहां से यहां तक जा रहा है, यहां से यहां तक जा रहा है। किड़ा पिंगला सुषुम्ना वज्रिका अर्यका वज्रिका इनके द्वारा घूमते 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 वह प्राण सुषुम्ना में प्रवेश करेगा, लेकिन प्रवेश करने से पहले वहां पर बैठे हैं उदान वायु के रूप में मुख्य प्राण वायुदेव। कैसे बैठे हैं? जैसे सांप कुंडली लगा करके फन काट कर निकाल करके बैठा हुआ है, बैठ करके और सुषुम्ना नाड़ी का जो द्वार है बंद करके बैठे हैं। जो साधना पूर्ण करके जो जीव आता है उसी के लिए द्वार खुलते हैं, वहां से प्राण का संचार, और वह संचार करते समय इन सभी रूपों का दर्शन लेते 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 ब्रह्मरंध्र से वह प्राण ऊपर चला जाता है और सहस्रार चक्र में मिल करके भगवान के साथ संसार से मुक्त हो जाता है। यह है योग के द्वारा मुक्ति पाने की राह। शुकाचार्य परीक्षित राज तक्षक आने की राह क्यों देखते हो?
शाम हो गई, सूर्यास्त हुआ, तक्षक आने से पहले यहां से तुम निकल करके भगवान के पास जाओ, तब तक इसकी उपासना करते। तुमने कहा कि सात ही दिन मेरे पास है। अरे सात ही दिन नहीं, छोड़ दो। तुम्हारा एक पूर्वज थे, उनका नाम था दिलीप, जो रघु के पिताजी, उन्हें खटवांग ऐसा दूसरा नाम भी था। उनको मालूम पड़ा 96 मिनट से पहले, 96 मिनट के बाद मेरी मृत्यु होने वाली, 2 मुहूर्त के बाद। 96 मिनट से पहले ही, उसके अंदर ही उन्होंने अपना जो भी था सब दान धर्म किया और अपने पुत्र को रघु को राज्य दे दिया और पद्मासन में बैठ करके उपासना शुरू की। 96 मिनट से पहले ही सुषुम्ना से प्राण दे करके उत्तम गति को प्राप्त की। भगवान को पाने के लिए एक मुहूर्त भी काफी है, यदि पाने की रीति मालूम है तो, नहीं तो हजारों जन्म में भी हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन इसमें उस समय प्राण के संदर्भ के समय हर एक व्यक्ति को सीवियर हार्ट अटैक छोड़ करके, उसके पहले भी उसे मालूम पड़ता है यहाँ पर वजन आता है वो स्ट्रिक्ट सब कुछ मालूम पड़ता है, उसमें यह रूप और यह विधान याद आनी चाहिए। उसके लिए बहुत दिनों संततम चिंतयेनंतम अंतकाल। तो उसका अभ्यास हम करके कर सकते हैं, लेकिन पहले उस भगवान का संतत चिंतन के लिए भगवान के बारे में हमें हमारा प्यार अभिवर्धित होना, होते रहना बहुत जरूरी। परीक्षित राजा पूछता है, ठीक है आपने भगवान के उपासना के अनेक विधान बताए हैं, भगवान का उपकार हम कैसे जाने? तो उसके लिए कहते हैं, भगवान के अवतारों के बारे में तुम्हें मालूम है, हर एक अवतार हमें कुछ शिक्षा देती है, उस अवतार का उपदेश सुन लो, उस तरह अपने जीवन को बनाते जाओ, उन गुणों को अपने में हम ढहाते रहने का प्रयोग में लाते रहने। 18 अवतारों की विवरण शुकाचार्य परीक्षित राज को देते हैं, 28, उनमें 10 तो आप सबको मालूम है, 28 के बारे में 10 का बताऊंगा, आज याद रखेंगे, आगे हम फिर देख लेंगे। 10 में कर्म से मत्स्य कूर्म वराह नरसिंह बोलते हैं, एक तो पहले पहले वराह अवतार बाद में दूसरे अवतार, ठीक है हम मत्स्य अवतार से लेकिन भगवान ने मीन का रूप लिया, मछली का रूप लिया, मछली का रूप लेकर के वे वेद को चुरा कर ले जाने वाले हयग्रीव नाम के उस असुर को मारा, संहार किया, वेद को वापस लेकर आए और मन्वंतर प्रलय में उन्होंने इस मनु जो वैवस्वत मनु है उसकी रक्षा करके इस मन्वंतर को आगे बढ़ाने का उपकार किया। मत्स्यावतार से भगवान का उपकार, मत्स्य भगवान अवतार में 2 काम होते हैं, एक दुष्टों का नाश करना, सज्जनों को उपदेश देना। अरे मछली के रूप में उन्होंने क्या उपदेश दिया, उसके लिए पूरा 17,000 श्लोकों का एक पुराण है, मत्स्य पुराण, उसे छोड़ दो,
मछली के रूप में भगवान हमें क्या संदेश दे रहे। मछली कभी आंख बंद करते पानी में है, लेकिन कभी आंख बंद नहीं करते, उसके आंख खुले रहते हैं, जीते रहने से उसमें भी मरने पर। भगवान कहते हैं कि संसार में अपनी आंखों को खुले रखो, बंद मत करो। क्यों? मैं जब सब जगह पर हूं मुझे देखते रहो, आंख बंद करके सोओगे तो मेरा ध्यान कब करोगे? अर्थात रात को सोने का ना ऐसा मैं नहीं बोलता हूं, जागृत रहो, बी अलर्ट, जागृत रहो, जागृत रहो। मुझे भगवान को पाना है, पति पत्नी संसार बच्चे जो भी हैं कर्तव्य हैं, कर्तव्य करता रहूंगा लेकिन मन भगवान में लगाऊंगा। शरीर से कर्तव्य, मन से भगवान में एकाग्रता। हमेशा आंख खोल करके पूरे संसार में रहने वाली इस विचित्रता को देखते हुए, एक प्राणी का मोर कलर लगाने वाला कौन, उसके चित्र निकालने वाला कौन, और एक ही उसके उसमें दो तीन कलर किस बाटली ब्रश से लगाया, किसान ने लगाया, किसने लगाया। तोते को देखो उसको कितने कलर दिया, फूलों को देखो, कुछ फूल सुबह एक कलर, दोपहर को एक कलर, शाम को एक कलर, कितनी विचित्रता। बहुत चित्र जगत बहुधा करणा, द्वादश स्तोत्र में आचार्य जी बताते हैं विचित्र विचित्र जगत। इसे करने वाला भगवान कहते हैं और संसार को देखते रहो। हमें संसार देखने की अवकाश करना, क्योंकि टीवी के सामने से हम उठ ही नहीं सकते हैं, तो संसार को कब देखेंगे? संसार में रहने वाले उस भगवान की विचित्र सृष्टि को कब देखते हैं, और कब कहां उपासना हम कर सकते हैं? मछली के रूप में भगवान कहते हैं पूरे संसार को मेरा दर्शन लेना। भगवान नहीं दिखाई देते मत बोलो, सब जगह मैं हूं, सब जगह मेरी ही क्रिया है, आप लोगों की किसी की भी क्रिया नहीं। और दूसरा उपदेश देते हैं मछली के रूप में, आपके हाथ को एक 10 घंटा पानी में रखिए, चमड़ी फूक करके निकलनी शुरू हो जाती। मछली पूरी जिंदगी पानी में रहती है, कभी कुछ हुआ उसको? कुछ नहीं। अर्थात संसार में रहो लेकिन संसार की विकृति से विकृत मत। संसार में जो विकृति है उसका परिणाम तुम पर होने मत दो। तुम अपने इंडिविजुअल एकाग्रता हमेशा तुम्हारे सामने भगवान रहना चाहिए। पत्नी से बात करो, बच्चों को सहलाओ, मजा करो, सब कुछ करो, लेकिन वहां भी भगवान की भगवान का ध्यान आपके सामने रहना चाहिए। संसार में रह, इसलिए हमारे दास जी ने कहा संसार मीनवागिरो, वो मीन इस तरह संसार में रहो, मोह में मत पड़ो, विकृत मत हो, टेंशन मत करो, कुछ भी नहीं। हम बिना कारण के टेंशन करते हैं, बच्चे को बुखार हुआ, डॉक्टर ने कहा दवा लो, कम से कम 3 दिन तो बुखार उतरने के लिए समय लगेगा। बैठते हैं 15 मिनट के बाद, अब भी गर्म है, डॉक्टर ने कहा 3 दिन रहने वाला है, गर्म तो रहेगा, अब भी गर्म है। फिर थर्मामीटर लेते हैं, अरे 101, अभी तो वायरल 103.4 तक भी जाता है, क्या हुआ, क्या करें, अब क्या करें, क्या होगा? 3 दिन तक कुछ होने वाला नहीं है मालूम है,
एजुकेटेड है, क्या होगा कैसे होगा घबरा कर तो उसके बदले भगवान का नाम स्मरण करो, बच्चे के पास बैठो, गाओ, स्तोत्र बोलो, हरे राम 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 बोलो। चिंता करने से कुछ भी नहीं, चिंता करने से एक ही होगा, आप जिंदा जलकर राख हो जाए। इसीलिए संस्कृत के कवि ने कहा है, चिता दहति निर्जीवम, चिंता दहति सजीव। मुर्दे को चिता जलाती है, चिंता जीवित व्यक्ति को जलाती है। चिंता करने से क्या मिलने वाला है, अब चिंता जितना भी करो तो बुखार उतरने वाला है। इसी तरह संसार की समस्याओं के संदर्भ में भी यह सजगता हमारे जिंदगी में प्रैक्टिकल चाहिए, सिर्फ बोलने के लिए सिर्फ सुनने के लिए नहीं रहता, प्रैक्टिकल करके देखो, बाद में बुखार भी नहीं आएगा, इतना ही नहीं भगवान भी मिलेगा, दोनों हो जाएंगे। कुर्मा अवतार, हरेक अवतार के और भी अनेक उपदेश हैं। हमें अभी चौथे दिन, अब तक तो हम सातवें स्कंद तक आना चाहिए था, लेकिन देखेंगे। कुर्मा अवतार, टॉर्टाइस, टॉर्टेस मुंह चार पैर, और उसका पीठ, उसका पीठ इतना कड़ा रहता है तलवार लेकर मारने पर भी कुछ नहीं होता, इसलिए पुराने युद्धों में उसके पीठ को ढाल के रूप में बनाते थे, ओपरते थे, लेकिन उसका शरीर ज्यादा मृदु नहीं, हमसे भी थोड़ा कड़ा रहता है, लेकिन उसका ऐसा करने से उसको वेदना होती है, अत्यंत मृदु, पानी में ही रहता है। जब कोई शत्रुओं से दिखाई दे तो मुंह और पैरों अंदर ले लेता, मगर उसे लेकर के दांतों से चबाने से कुछ नहीं मिलता, तो उसे छोड़ देता है, चिंता। इसीलिए अपने शत्रुओं के द्वारा आप सुरक्षित रहने के लिए, आपके दूसरे कौन शत्रु हैं हमें मालूम नहीं, लेकिन हर एक व्यक्ति के लिए छह शत्रु तो कंपलसरी है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। ये शत्रु हम पर आक्रमण करते रहते हैं, इन शत्रुओं से बचने के लिए आप क्या कीजिए, पांच इंद्रिय, आंख, कान, नाक, जीभ और स्पर्श इंद्रिय, अंतर्मुख, अंदर डालो, बाहर देखेंगे तो वह चाहिए ये चाहिए काम अपराक्रमण करेगा, जो चाहते हैं वह नहीं मिलेगा, गुस्सा आता है, क्रोध, लेकिन नहीं मिलने पर भी उसकी आशा बनी रहती है, लोभ, और उसके बाद किसी तरह से मिल भी गया तो भी अहंकार, नहीं मिला तो डाह, मात्सर्य, हमारी जिंदगी को खा डालते हैं। इसलिए एक काम कीजिए, देखना है आंख बंद करो, कल भगवान का जो रूप मैंने कहा उसका चिंतन करते हुए यहां पर रहने वाले भगवान को देखते हो, आंख बंद करो, उसका पदतल, पाद और एडी, घुटने, जो कल मैंने कहा उस तरह देखते हो, क्या रोज मिलेगा, बिना पैसे का आपको मिलेगा, यह काम पूरा पूरा हो जाएगा, गुस्सा करने की कोई जरूरत नहीं। गुस्सा आया तो दूसरों पर मत करो, अपने पर गुस्सा करो,
गुस्सा है लेकिन अपने पर करो, मैंने कितना दिन हुआ भागवत पूरा नहीं पढ़ा है, मैं कितना मूर्ख हूँ, मैंने भगवान का जप नहीं करता हूँ, अपने पर गुस्सा करो। कितना काम हमने नहीं किया है, एक काम कोई किया नहीं तो समय पर पत्नी खाना नहीं दे तो गुस्सा करते हो, लेकिन समय पर तुमने क्या साधना किए पहले हम अपने पर गुस्सा करो, वह गुस्सा किसी को हानि पहुंचाएगी। लोग मैं एक महीने में दो ग्रंथों का अध्ययन करूंगा, चार ग्रंथों का, वह लोग बढ़ाते जाओ, वह लोग होना चाहिए, मैं इतना पढ़ूंगा, इतना जप करूंगा, इतना हजार बार भगवान का नाम लूंगा, यह लोग आपको कोई पीड़ा नहीं दे। अहंकार का धारण करो, मैं भगवान का भक्त हूं, मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता, मेरा बाल बांका नहीं कर सकता, मैं क्यों किसे करूं, वो आदमी ने कुछ मुझे धमकी दे दे लो, भगवान मेरी रक्षा कर रहे हैं, वो मुझे क्या करेगा, इस तरह का अहंकार अपने पास रखो, कोई हर्ज नहीं। मोह रखो भगवान के रूप देखने के लिए, भगवान को पाने का मोह रखो, भगवान के वस्तुओं पर मोह रखो, भगवान के ग्रंथों पर मोह रखो, और मात्सर्य भी रखो, अरे उसने इतना ग्रंथों का अध्ययन किया, मैंने कुछ भी नहीं किया, मुझे भी चाहिए, उसका दो घर हो गए, मेरा एक भी नहीं है, तो ऐसा मात्सर्य मत करो, उसने इतना भगवान के जप किया है कि वह इतने भगवान के पास आगे पहुंच गया है, मैं भी क्यों नहीं पहुंचू, यह मात्सर्य अपने पास, अर्थात इंद्रियों को अंतर्मुखी करो, आंखों से अंदर के भगवान को आप देखने की कोशिश करो, कानों से अंदर जो भगवान है उसके बातें सुनने की कोशिश करो, क्या गुरुजी टाइम पास कर रहे हैं, कभी भगवान की वाणी सुनाई देती है हमको, क्यों झूठ बोलते हैं, अंदर के भगवान की वाणी को सुनने की कोशिश करो, क्यों बोल रहे हो, क्यों झूठ झूठ बोल करके हमको ब्रेन वॉश कर रहे हो, हम झूठ नहीं बोलते, व्यासपीठ पर तो बैठकर तो नहीं झूठ बोलते, आपका कुछ काम है, करूं या न करूं आपको संदेह है, आंखें बंद करके भगवान का नामस्मरण करके एक 15 मिनट बैठ करके भगवान मेरे इस काम के लिए आप उतर दो, एक बार प्रैक्टिस करके दे, अंदर से आपको प्रेरणा आ जाएगा, करो करो करो, ये भगवान की वाणी, भगवान हर क्षण हमें प्रेरित कर रहे हैं, ये करो ये मत करो, ये करो ये मत करो, हमने कभी उसको सुनने की कोशिश की, इसे योग शास्त्र में इनर वॉइस बोलते हैं, इनर वॉइस, कभी कभी योगी लोग इसी के द्वारा अपना काम करके सफल हो जाते हैं, हम भी ऐसा कर सकते हैं लेकिन प्रैक्टिस में लाएंगे तो, और भगवान के इस नाक से, भगवान के गले के में जो माला है उसका सुगंधित वास लेने की कोशिश करो, कुंभक में कम से कम 5 मिनट रहने का प्रैक्टिस करो, श्वास बंद कर गए और उस समय जो गुरु से द्वारा मंत्र में मिला है उसका जप, उसका रूप चिंतन करते हुए, भगवान आपके गले में जो माला है उसका सुगंध मुझे दो, कुंभक में 4 मिनट के बाद पूरा वातावरण आपको सुगंध दे, कहीं भी बैठो वह आनंद आपको मिलना शुरू, इसके लिए योग शास्त्र का अभ्यास तो करेंगे, तो भगवान के गले के वास देखने की कोशिश करो, मैं बिना अनुभव के आपको कुछ बोलने वाला नहीं,
भगवान के स्पर्श से एयर कंडीशन रूम या गादी का स्पर्श नहीं, अंदर के भगवान का आलिंगन करो। किसी ग्रंथ को यहां वहां ध्यान दिए बिना सुबह 4 बजे 3:30 बजे उठ करके अध्ययन करते रहो, आपको इतना सुख मिलेगा जो किसी गादी पर सुख नहीं मिलेगा। बच्चे के आलिंगन में भी आपको सुख नहीं मिलेगा, आगे मैं बताऊंगा। बस सुख उस अध्ययन में मिलता है। चक्षु श्रोत्र घ्राण जीव, सोते समय भगवान का नाम स्मरण करके सोए, उठते ही तुम्हारे मन से वह नाम आता रहेगा, आप उसके लिए कोशिश करने की जरूरत नहीं, क्योंकि भगवान का नाम लेते लेते नींद लगे, उठने तक वही नामस्मरण हमारा मन करते रहता। मैं रोज के प्रैक्टिकल बताऊंगा आपको, करता रहेगा, उठते ही आपके मुंह से नारायण कृष्ण गोविंद अपने आप आ गए, नहीं तो तुम्हारा प्रैक्टिस नहीं। एक बार एक काम करो, किसी डॉक्टर से मिलो, ऑपरेशन रूम में आज मुझे परमिशन दो, बोलो एनेस्थीसिया देने से पहले उस रोगी से बातें करते, वह जो उत्तर देता रहेगा एनेस्थीसिया से वह उसकी शुद्धि निकल जाती है। बाद में एनेस्थीसिया जब जागने लगेगा उसके मुंह से वही शब्द आते रहते, जो शब्द वह शुद्धि निकलते समय जो शब्द उसके मुंह से आए वही शब्द एनेस्थीसिया से जागृत होते समय में आता। इसलिए सोते समय जीव से जिस नाम पर आप स्मरण करेंगे वही गाना वही नाम आपके मुंह से आएंगे। पूर्ण रूप से भगवान यही सिखाते हैं, तुम्हारो इंद्रियों को अंतर्मुखी, कठोपनिषद यही हमें संदेश देता है। परांचिखानि व्यतरणात् स्वयं पराक पश्यति नान्तरात्मनः कश्चित् धीरः। भगवान ने हमें इंद्रियों को बाहर देखने के लिए, बाहर के सुनने के लिए, बाहर की चीजों की अभिरुचि लेने के लिए, बाहर के चीजों का स्पर्श करने के लिए ऐसी प्रवृत्ति दी है हमारी परीक्षा करने के लिए। लेकिन ज्ञानी साधक इन इंद्रियों को अंदर की ओर प्रवृत्त करके कूर्म के जैसे, उस कछुए के जैसे अंदर करके उस भगवान का सामीप्य का सुख का अनुभव करते हैं। तो इसके लिए कछुआ हमें यह सिखा, और कूर्म रूप से भगवान ने और क्या किया, समुद्र मंथन के संदर्भ में जो मंदर पर्वत पानी में डूब गया तो तब सभी देवताओं ने प्रार्थना की भगवान मंथन करने का है, उस वह तो डूब गया, हम क्या करें। भगवान कूर्म रूप लेकर के अपने पीठ पर उस पत्थर पर पर्वत को ऊपर तक ला करके जितना मंथन करने के लिए थे करो बता, वे मंथन करते रहे और पर्वत क्या सॉफ्ट था, नीचे उबड़ खाबड़ खर 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 उनके इसमें अनेक तरह की पीड़ा, लेकिन भगवान को पीड़ा नहीं होती। भगवान कहते हैं जिंदगी में समस्या पीड़ा अनिवार्य है। हम इतने लोग बैठे हैं किसकी जिंदगी में कठिनाई नहीं आई, हाथ उठाओ, कोई हाथ उठा दे। उन कठिनाइयों को ध्यान मत दो, अपनी बुद्धि को भगवान में लगाओ, अमृत मिलेगा। समुद्र मंथन से क्या मिला, अमृत। हमें अपरोक्ष ज्ञान रूपी अमृत मिलेगा, कठिनाइयों से रोते रोते बैठेंगे तो कुछ भी नहीं होने वाला। पूर्व रूप से भगवान हमें सिखाते,
हर एक में दो ही दो दो ही आपको बता देता हूं। और उसके बाद वराह, जंगली सुअर। अरे भगवान को कोई अच्छे प्राण, अच्छा अच्छी पशु नहीं, अच्छा पशु नहीं मिला, सुअर बन गए, क्या बात है। तुम्हारे भगवान कैसे हैं? कम से कम तो गाय बन सकते थे। भागवत पढ़ते समय, प्रवचन देते समय बहुत बार मेरे मन में था ये क्यों। एक बार में मेरे आपके देशपांडे नाम के एक गोरेगांव में एक वेटरनरी यूनिवर्सिटी कॉलेज के यूनिवर्सिटी के डीन थे, तभी मेरे प्रवचन को आते थे। उनसे मैंने कहा कि एक हिंस्र पशु, क्योंकि यह तो गांव का सुअर नहीं, यह वाइल्ड बोर जो कहते हैं वो वाइल्ड एनिमल है। वाइल्ड एनिमलों के कुछ स्वभाव का कुछ कोई किताब आपके पास है तो दो। एक उन्होंने एक किताब ला कर दी, ऑथर का नाम मुझे मालूम नहीं है, बिहेवियर ऑफ वाइल्ड एनिमल्स उसका नाम था। जब इस बोर के बारे में मैंने पढ़ा, मालूम पड़ा भगवान बहुत हम पर भगवान ने उपकार किया। यह वाइल्ड एनिमल है बोर, लेकिन उसकी जिंदगी एक ऋषि के जैसा। हम बिना नहाए कुछ खाते हैं, लेकिन वह पराह बोर जो है, जंगली सुअर जो है, बिना स्नान के मुंह में आहार नहीं डालता। जब उसको भूख लगती है, जंगल में कोई नदी या पौंड सरोवर जो है तो वहां जाकर के डुबके लगाने के बाद अपना आहार ढूंढता। इसलिए जंगली सुअर की शिकार करने वाले जंगल में उसको नहीं ढूंढते। जहां पर नदी सरोवर होता है उसे पेड़ पर बैठ जाते हैं, सुअर भूख लगने पर इधर ही आया। और 24 घंटे में एक ही बार आहार लेता है, एक भूख। हम जब भी डब्बा देखते हैं मुंह खाते ही रहते हैं पूरे दिन, क्योंकि जिंदगी खाने के लिए ऐसा समझते हैं। वह 24 घंटे में एक ही बार आहार लेता है और यह हमारे जैसे ब्रेड बर्गर वड़ा पाव पके हुए किसी भी चीज को भी नहीं, मांस को भी नहीं। वह सस्य शाकाहारी, वह भी कैसे, क्या अपने दांतों से जमीन खोद करके कंदमूल निकाल करके, जैसे ऋषि मूल कंदमूल से अपनी जिंदगी बिताते हैं। कंदमूल और ईख यही उसके मुख्य आहार है। ऋषि मुनियों के जैसे कंदमूल से अपनी जिंदगी बिताते हैं। हिंस्र पशु है लेकिन मांसाहारी नहीं। और चौथी विशेषता, उसकी जिंदगी एकदम सरल है। सुअर आ रहा है, जंगली सुअर आ रहा है आपके सामने, मिला 2 फुट बाजू में खड़े रहो, आपको कुछ नहीं करेगा, निकल जाए। लेकिन अपने राह में जो आएगा, हाथी हो शेर हो कुछ कुछ, इतनी शक्ति है, शेर भी उसे देखकर भाग जाता। शेर कभी जंगली सुअर का शिकार नहीं करता। तो अपने मार्ग में आने वालों को मार करके उसके शरीर को दो भाग करके चला जाता। ऋषि मुनि भी वैसे ही होते हैं, स्नान किए बिना कुछ नहीं लेते। आहार लिए तो एक बार, हमारे स्वामी जी एक ही बार खाना खाते, वो भी अत्यंत सात्विक है। और साधना के राह में आने वाले कोई भी आशा हो उसको चीर करके आगे चले जाते। इसलिए पवित्रता का द्योतक है जंगली सुअर, उसी वराह से अर्थात यज्ञ वराह से इन दर्भों की उत्पत्ति।
जो हम दर्भ श्राद्ध में, पूजा में, होम ने हवन में, तो उसके वे बाल हैं, उसके बाल से दर्भों की उत्पत्ति। इसलिए किसी भी काम के लिए दर्भ चाहिए, और उस वराह अवतार के स्वेद से, पसीने से तिलों की उत्पत्ति। इसलिए प्रायश्चित होम, पितृतर्पण, श्राद्ध तिल की अत्यंत अनिवार्यता है। अत्यंत पवित्र वस्तु तिल, तिल को खाना, तिल का दान करना, तिल का होम करना, तिल को कूट करके शरीर को लगाना और तिल से युक्त पानी से नहाना हमारे पापों को दूर करने वाला। तिलस्नायी तिलोद्वर्ती, और तिलहोमी तिलभुक् तिलदाता च षट तिलाह पापनाशक। शास्त्र कहते हैं कम से कम मकर संक्रमण के दिन तो तिल गुड़ दो खाओ, क्योंकि पाप दूर करने के लिए। वह है इस वराह के स्वेद से उत्पन्न। और इतना ही नहीं, हम होम में जो भी सुरुक श्रवा आदि साधन उपार्थ है, ये भगवान के पैरों से उत्पन्न, इसके लिए अत्यंत पवित्र। हमारे यहां बाल अपवित्र, क्योंकि जो भी पाप है और गंदा है सब कुछ बालों में रहता है। इसलिए हम बाल बार बार निकालते हैं, क्योंकि अपवित्र है। इसलिए आजकल बाल को ही रखना एक बहुत बड़ा फैशन हो चुका है। सभी पाप उन बालों में रहते हैं, लेकिन जो पति के साथ है, जिसे हम सुवासिनी कहते हैं, उसके बालों में गंगा रहती है, गंगा रहती है। तो इसके लिए हमारे यहां भगवान की पूजा के लिए, मणि के लिए, रोज स्त्रियों को सिर पर स्नान करने की कोई जरूरत नहीं। भगवान के भोग के लिए रसोई करती हैं, लेकिन सिर्फ इतना स्नान बाकी है, क्योंकि उनके शरीर में भगवान गंगा के रूप में रहते। लेकिन याद रखिए, उस पवित्रता को रखने के लिए उसे क्या करना चाहिए, वह पवित्रता बहकर नहीं जाए, इसलिए बालों के लास्ट जो है हमेशा उसमें गांठ लगा करके, बालों को खुला मत छोड़िए। बालों को खुला छोड़ गया पवित्रता चली गई, सिर्फ पाप भर मिलेगा। आजकल बालों को खुला रखना ही फैशन हो गया। पहले बालों के बांधे बिना स्त्रियां दूसरा काम नहीं करती थी। इतना ही नहीं, सिर पर स्नान करने के बाद बाल सुखाते समय में भी लास्ट में एक गांठ लगा करके सुखाते थे, गांठ कभी नहीं खोलना चाहिए। उसी तरह शिखा भी गांठ लगा करके रखना चाहिए। भी शिखा ही नहीं तो गांठ कहां से लगा। हम लोग जानते नहीं, पढ़ते नहीं, उसके उसकी महत्ता नहीं बढ़ते। सिर्फ हमें चाहिए फॉरेन से जो स्टाइल है, आज के हमारे भगवान है हीरो हीरोइन, हीरोइन ने ऐसा आज बाल काटा, मैं भी जाकर के काटू। हीरोइन ने ऐसा बाल को छोड़ा, मैं भी छोड़ा। अरे ये आपको क्या करते हैं, आपको कुछ देते हैं, आपकी जिंदगी बर्बाद करते हैं। ये हीरो हीरोइन के पीछे मत पड़ो, आपकी जिंदगी बर्बाद करने के, क्योंकि वे सभी शब्द को मैं वापरना नहीं चाहिए, वेश्याएं, अपने शरीर को, अपने मन को, अपने रूप को पैसे के लिए बेचने वाले। उनका दर्शन भी हमारे लिए जाकर के स्नान करना चाहिए, लेकिन हम इतने मूर्ख हैं
उन्हीं को देखते हुए दो दो घंटा तीन तीन घंटे और भी पैसा दे करके थिएटर में दिया करके पाप कमा करके आते हैं। पुण्य कमाना तो दूर, पाप कमाते हैं पैसे दे करके। मेरी बात में कुछ गलती है तो बताए नहीं, मैं आपके साथ मैं भी सिनेमा पाऊंगा, कुछ लाभ है तो चलो मैं टिकट निकालूंगा, क्या लाभ है मुझे बताओ, क्या भगवान तक ध्यान मिलेगा, पैसे मिलेंगे, आनंद मिलेगा, वहां भी मारकाट, वहां भी खून, वहां भी किसी को रुलाना, वहीं भी एक्सीडेंट, रोना ही है तो पैसे देकर उधर जा करके लोगों के सब वो कार्बन डाइऑक्साइड का श्वास लेते हुए क्यों रोना, घर में बैठ कर रो। हम भगवान की दी हुई बुद्धि का उपयोग नहीं कर रहे हैं, सोचिए सोच कर काम करो, हम कितना समय खर्चा कर रहे हैं, पैसे कितना खर्चा कर रहे हैं, हमारे मन को कितना विकृत बना रहे हैं और उनका अनुकरण कर रहे हैं। अनुकरण करना है द्रौपदी का अनुकरण करो, सीता का अनुकरण करो, और बहुत मीरा का अनुकरण करो, बहुत गोपियों का अनुकरण करो, इन लोगों का अनुकरण क्यों करते, क्या मिलने वाला है, कुछ मिलना है तो बोलिए, मैं आपके साथ आपका टिकट निकाल रोज आपके साथ से ना आऊंगा, मिलता है तो, नहीं मिलता है तो मैं नहीं आऊंगा। सोचने की बहुत आवश्यकता, सिर्फ प्रवचन सुनने के लिए नहीं रहता है, प्रवचन को जिंदगी में उतारने के लिए रहता है, स्वयं बोलने वाले को भी सुनने वालों को पराहा होता है। हमारे यहां बाल अपवित्र है, हम बाल काट कर आने के बाद सीधा स्नान करके अंदर आते हैं, कहीं भी नहीं छूते, लेकिन इस जंगली सुअर के बाल को हम भगवान की मूर्ति को धोने के लिए वापरते हैं। वही बाल वराह केश, जो बाल अत्यंत पवित्र है लेकिन जंगली सुअर का बाल अत्यंत पवित्र है, इसलिए वराह होता है, अर्थात पवित्र रहो मैं मिलूंगा, अपवित्र है तो मेरे पास मत। पवित्रता का द्योतक शरीर पवित्र, मन पवित्र, बुद्धि पवित्र, इसलिए सुबह इसी मड़ी मेल की पवित्रता के बारे में दो घंटे अपने चर्चा की, क्या शुद्धि का महत्व क्या, मुंजान मड़ी मेल की भगिनी ने चर्चा, अर्थात शुद्धि का अर्थ क्या है, कौन वस्तु कैसे शुद्ध होती है, वह संपूर्ण विज्ञान हमारे साथ। उसके बाद नरसिंह अवतार, संस्कृत में सिंह का मतलब है श्रेष्ठ, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, शुरुत्तर पदे व्याघ्र पुंग वृषभ कुंजरा सिंह शार्दूल नागात्य पुंसि श्रेष्ठार्थ गोचर, वीर सिंह मतलब श्रेष्ठ भी, विद्या सिंह श्रेष्ठ विद्या, दान सिंह बड़ा दान, ऋषि पुंगव श्रेष्ठ ऋषि, व्रत शार्दूल व्रत श्रेष्ठ व्रत करने वाला, सिंह शार्दूल नाग पुंगव ये शब्द जो है श्रेष्ठता के द्योतक है। भगवान ने हमें इसी के साथ हाथ मांगने के लिए नहीं भेजा, यू बी ए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन, नॉट विले मैन, सामान्य व्यक्ति बन करके मत रहो, तुम्हें क्या कमी है मुझको, बुद्धि नहीं है, मन नहीं है, अवयव नहीं है, क्या नहीं है फिर भी क्यों रोते हो, क्यों क्यों फिर भी क्यों दूसरों के बात सामने हाथ क्यों पसारते हो, हाथ पसारना है तो भगवान के सामने पसार, ये लोग क्या देंगे, लोग देंगे पैसे देंगे कितने देंगे, कितने देंगे बोलो, आप 10-10 12-12 घंटे काम करते हो आईटी कंपनी के लिए, मिलता है लाख डेढ़ लाख कुछ भी मिलता है,
तो उसमें 30% तो गवर्नमेंट को चला जाता है, आपके हाथ में को बहुत कम लगता है, फिर भी वह खर्चा होता है कि नहीं, ये कितने देने वाले हैं। हमारे यहाँ एक जगन्नाथ पंडित नाम के एक कवि हो गए, पंडित पंडित भी थे कवि भी थे, अद्भुत काव्य शैली। उस समय शाहजहां राजा दिल्ली में राज करता था, तो उसने उन बुला भेजा उनको, आओ कवि, मैं तुमको जितना चाहिए उतना पैसा देता हूं। तो उसने कहा, राजा मेरी विद्या का तुम मोल लगाते हो, अरे तुम कितना दे सकते हो, दिल्लीश्वर हो जगदीश्वर हो, दिल्ली का अधिपति हो, पूरे संसार का राजा हो, क्या सत्य करता है, आप जो देते हैं, शाकाय वस्यत लवणाय वस्यत, मेरे घर के भाजी वो दुख लाने के लिए खर्चा हो जाता, मुझे देने वाला है तो वह भगवान वही है जो छप्पर फाड़ करके देता है, दूसरा कोई नहीं देता। इसलिए ईशावास्य उपनिषद कहता है, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित् जगत्यां जगत तेन त्यक्तेन भुञ्जीता, वह जो देता है उसका भोग करो, मा कृतः कस्यचित् दानं, किसी के सामने हाथ मत पसार। लेने वाले का हाथ हमेशा नीचे, देने वाले का हाथ हमेशा ऊपर, देने वाला ऊपर से देता है, देने वाला नीचे, लेने वाला हाथ आपके हाथ में क्या है, क्यों दुश्मन के सामने झुकने का, झुकना है तो भगवान के सामने, माता पिता के सामने झुको, गुरु के पास झुको, सामने झुको, दूसरों के पास जरूरत नहीं। नरसिंह ने यही सिखाया, यू बी एक्स्ट्रॉर्डिनरी, पॉजिटिव थिंकिंग रखो, एम्बिशन रखो, और अद्भुत व्यक्ति अपनी जिंदगी में होकर के रहो, दीन दलित मत बनो। नरसिंह अवतार से उन्होंने सिखाया, वामन अवतार से सिखाया, किसी से मांगो मत, क्योंकि मांगने के लिए मेरी अवस्था क्या होगी, पूरा संसार, मेरा शरीर इतना बड़ा व्यक्ति, बलि चक्रवर्ती के पास मांगने के लिए एक छोटे से ब्रह्मचारी का रूप लेकर के मुझे मांगने के लिए जाना पड़ा। मांगने के लिए जाना है तो छोटा होना पड़ता है, क्यों होना चाहिए, जरूरत नहीं, छोटा होने के लिए वह भी आदमी हम भी आदमी, किसी के सामने क्यों फंसा है। इसलिए मेरे जैसे तुम्हें सिखाने के लिए मैंने वामन अवतार लिया है, लेकिन याद रखो तुम में बहुत शक्ति है, इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स निकाल दो, हीन गंड निकाल दो। वामन ने दिखाया, तीन पग में पूरे विश्व को उसने व्याप्त किया, दो पगों से, तीसरा पग कहता है बलि तीसरे के लिए जगह दे, बाद में बलि ने कहा मेरे सिर पर, वह शक्ति हरेक में कैसे। अरे हमारे यहां भगवान बैठे हैं, भगवान में शक्ति नहीं है, चाहो मुझ में नहीं है तो मेरे भगवान में तो शक्ति है, तो क्यों डरने, कुछ भी डरने को भी जरूरत। वामन अवतार से भगवान हमें सिखाता, परशुराम अवतार, परशुराम अवतार से भगवान सिखाते हैं आदमी को फिजिकली और मेंटली दोनों फिटनेस होना जरूरी है। योग आसन प्राणायाम आदि करके अपने शरीर को निरोगी रखो और बुद्धि को भी निरोगी रखो। परशुराम ज्ञानी भी थे और समय आने पर अपने कुठार को लेकर, कुल्हाड़ी को लेकर के 21 बार क्षत्रियों को पूरा नाश कर दिया, अर्थात शत्रुओं के सामने डरने की कोई जरूरत नहीं।
सामना करो, सभी शत्रुओं को भगवान का नाम लेकर के सामना करो, शत्रु निकल जाएंगे। वह मेरा, वह मुझे पीड़ा देते, यह मेरा पीड़ा देता है, शापाद शराद। शारीरिक रूप से, बौद्धिक रूप से हमेशा हमें अत्युत्तम होने की कोशिश करनी चाहिए, परशुराम अवतार से सीखा था। राम का अवतार, राम कहता है प्यार से, त्याग से तुम पूरे संसार को जीत सकते। किसी के बारे में, शत्रुओं के बारे में भी तुम्हारे मन में विकृति द्वेष मत रखो, द्वेष तुम्हें खा लेगा। शत्रुता, हम किसी व्यक्ति से शत्रुता करते हैं, वो शत्रुता कहां रहती है, उसमें रहती है कि मुझमें? वो आग कहां रहती है, मुझमें? आग किसको जलाती है, हमको ही जलाती है। इसके लिए आप लोग एक काम करो कि अपने शरीर को युद्ध भूमि मत बनाओ, अमेरिका की पॉलिसी रखो। इतने दिनों से अमेरिका की भूमि में एक भी युद्ध हुआ है, इतिहास आप पढ़ते हैं। अमेरिका चाहे तो क्यूबा में जाकर युद्ध करेगा, ईरान में जाकर युद्ध करेगा, और सीरिया में जाकर युद्ध करेगा, दूसरी जगह पर जाकर युद्ध करेगा, अपनी भूमि में कभी नहीं। अमेरिका का यह पॉलिटिकल साइंस है, क्योंकि मेरे घर में युद्ध हुआ तो जीतने पर भी जो भी बॉम्ब गिम गिरे हैं मेरे देश में गिरे हैं, हानि तो जीत पर भी हानि और हारने पर भी हानि। इसके लिए शत्रुता को मन में मत रखो, शत्रुता से, उससे शत्रुता होगी, उसका लड़का कभी फेल होगा, उसकी लड़की कब भाग गएगी, तो वह कब गिरेगा, तो उसका ऑपरेशन कब होगा, उसका एक्सीडेंट कब होगा, उसका घर कब जलेगा, भगवान नहीं, कुछ नहीं, कोई नहीं, वह 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 उसकी चिंता में खाना भी नहीं जाएगा, नींद भी नहीं आएगी, और विकृत रोगी कौन होगा, हम ही रोगी होंगे। महाभारत में संदर्भ आता है, 12 साल वनवास पूरा हो गया और अज्ञातवास भी 7 तक का पूरा हो चुका था, लेकिन शकुनी ने ऑब्जर्वेशन किया दुर्योधन रोज रोज पतला हो रहा, वीक हो रहा, एनीमिक हो रहा। वैद्यों को बुलाया, सबको दिखाया, वैद्यों ने कहा यह तो मनोरोग है, दूर करने के लिए धृतराष्ट्र का एक मित्र नीतिज्ञ था, उसका नाम था कणिक, कणिक को बुलाया, देखो उसके मन को सुधारो। कणिक दुर्योधन से पूछता है, दुर्योधन तुम्हें क्या कमी है, जब चाहे ड्राई फ्रूट्स खा सकते हो, घी खा सकते हो, दूध, क्या कमी है, क्यों तुम दुबले पतले हो रहे हो? उसने कहा कणिक जी 12.5 साल हो गए मैंने 1 मिनट के लिए भी सोया नहीं, 12.5 साल हो गए मैं पानी के बिना कुछ खाया नहीं, फिर पानी पीता। कणिक ने कहा क्यों रे, कोई व्रत कर रहा है क्या? दुर्योधन का व्रत नहीं, जब मैं ताट के सामने बैठता हूं, ताट में जब खाना परोसाया जाता है, मुझे याद आती है मैंने भी भीम के अन्न में जहर डाला था, इसमें भी जहर होगा, कोई मेरे रसोई को पैसा खिला करके जहर डाला होगा, भयभीत होता था, ताट को बाजू में डालता हूं, पानी पी करके उठ जाता हूं। रात को जब सोने के लिए मैं अपने शैयागार में जाता हूं, बेडरूम में जाता हूं,
आंख बंद करने की कोशिश करता हूं तो नहीं। भीम ने कहा है तुम्हारे दोनों पैरों को मैं तोड़ करके, तेरे दोनों गोदों को तोड़ करके मैं तो मारूंगा। भीम उस खिड़की से भी आ सकता है तोड़ कर, भीम दरवाजे से भी आ सकता है, भीम यहां से भी आ सकता है। मैं आंख बंद करेगा तो भीम आकर मुझे मारेगा, क्या करूं? इसलिए रात भर देखते बिना नींद के हूं। 12.5 सालों से नींद नहीं, खाना नहीं, तो मैं तुम पर दुबला हूं तो और क्या हूं। शत्रुता हमें इस तरह खिलखिला कर देती, संपूर्ण हमें नष्ट कर देती, लेकिन प्यार हमको सब तरह की शक्ति देती। रामचंद्र जी के 2 उदाहरण, नहीं तो उसका बारे में पढ़ो था तो रामायण फिर 9 दिनों तक सुशीलेंद्र को सब व्यवस्था करनी पड़ेगी और 9 दिन। रामचंद्र जी का राज्य को विनष्ट किया कई कई ने, जंगल को चले। पहले दिन सभी प्रजा उनके साथ आए, रात में उन्हें सुलाने के बाद भगवान दूसरे रास्ते से जंगल में चले गए। दूसरे दिन शाम गंगा नदी के किनारे पहुंचे, वहां पर गुह नाम का एक नाविक, लेकिन राम के बारे में परम भक्त, राम का आया हुआ सोचकर वो सब कुछ भूल गया। राम के लिए फल ला कर दिया, पानी ला कर दिया, वो ला कर दिया, आसन दिया, सब कुछ दिया। बोले राम जी क्या चाहिए, राम जी आपको क्या चाहिए, राम जी आपको क्या चाहिए। राम कहते हैं अरे गु, मुझे प्यास लगे तो पानी लाओ बोल सकता हूँ, भूख लगे तो फल लाओ बोल सकता हूँ, लेकिन मेरे घोड़े कल से भूखे हैं, पानी नहीं मिला, पहले उनको दे, तू बोल नहीं सकते, प्यास लगे बोल नहीं सकते, भूख लगे बोल नहीं सकते, पहले उनको तृप्त करो, उनकी तृप्ति के बाद मेरा सारथी उसको तृप्त करो, बाद में मेरे पास आओ। प्यार करने के लिए थी, सबको सुखी बना करके बाद में स्वार्थ। ऐसे राम के जिंदगी में 1000 उदाहरण। बाद में भरत राम जी से मिलने के लिए आया, आप चलो राज करो, मेरी माँ की गलती थी, मैं राज्य नहीं करूंगा, आप ही आओ, आप करो। लेकिन राम ने कहा पिताजी के, पिताजी का जो वचन है उसका उल्लंघन मैं नहीं करूंगा, 14 साल बाद आऊंगा। तो तब भरत उनके पादुका लेकर के वापस निकल गए। उस समय भरत के साथ कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी सभी आए हुए। जब सब वापस निकले, कैकेयी अकेली राम के पास मिलने से ले आए। राम के अकेले में मिलकर के कहा राम मुझे क्षमा करो। राम ने कहा माँ क्या बोल रहे हो, क्षमा कौन सी क्षमा करूं? अरे मैंने तुमने दुख दिया, तुम्हें दुख दिया, और तुम्हारे राज्य को मैंने आपसे दूर किया, मैंने बहुत बड़ा अपराध किया। राम कहता नहीं माँ, तुमने मुझे कुछ भी दुख नहीं दिया है, और तुमने मुझ पर इतना प्यार किया है, भरत से भी ज्यादा प्यार तुम मुझ पर आए, इसलिए तुमने मुझे यहां भेजा। तो कैकेयी चकरा गई, ये क्या बोल रहा है, इसके राज्य को दूर किया, जंगल में भेज दिया, बोलता भरत से भी ज्यादा प्यार तुमने किया है। कैकेयी ने कहा राम तुम्हारी बात मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैंने दुख दिया तू बोल रहे प्यार दिया, कैसी बात। राम ने कहा देखो मां, राज सिंहासन क्या होता है,
वह एक कांटे का सिंहासन, जो राजा बनता है अश वहां देखो अकाल है, वहां व्यवस्था करो, यहां युद्ध हो रहा है शत्रुओं को देखो, यहां होम करो यज्ञ करो, प्रजाओं को देखो क्या कमी है वहां देखो, यहां देखो वहां देखो, 24 घंटे कठिनाइयां कठिनाइयां कठिनाइयां। यह कठिन काम तुमने किसको दिया? तुम्हारे लड़के। और मुझे क्या कहा? राम जाओ 14 साल हनीमून करके बस। हम दोनों पति पत्नी आए हैं, रोज नया नया स्थान पिकनिक, और लक्ष्मण पर्णकुटी बनाता है, हम नहाते हैं, वो फल ला करके देता है, फल खाते हैं, विश्रांति लेते हैं, फिर खाते हैं, रोज घूमते हैं, पिकनिक हनीमून चल रहा है। यह सुख किसने दिया मुझको? से कहते हैं पॉजिटिव थिंकिंग। शत्रु की क्रिया को भी पॉजिटिव लेने की क्रिया। राम की जिंदगी में ऐसे अनेक संदर्भ, राम से हम सीखेंगे किसी की शत्रुता नहीं। मन में ध्यान जगह देना है तो भगवान को दो, शत्रु को क्यों जगह देते? मन एक ही है, एक ही सीट है, या तो भगवान को यहां पर रखो या तो शत्रु को यहां पर रखो। किसको रखना चाहिए आप ही सोचो। राम अवतार से भगवान हमें यह सिखाते। कृष्ण का अवतार परोपकार, अपने लिए कुछ नहीं। शिशु के अवतार से लेकर के अनेक राक्षसों को मारा, अपने लिए नहीं, गोकुलवासियों। कंस को मामा को मारा, लेकिन उसके पिताजी को राज्य दिया, स्वयं नहीं लिया। नरकासुर को मारा, उसके लड़के को राज्य दिया। जरासंध को मारा, उसके लड़के को राज्य दिया, अपने लिए। कभी सिंहासन पर नहीं बैठे, राज नहीं लिया। कम से कम 80 लोगों राजाओं को मार करके श्री कृष्ण ने अपनी जिंदगी में भूभार को कम किया है, लेकिन किसी भी एक राज्य को अपने के लिए नहीं रखा। परोपकार करो, स्वार्थ छोड़ो, तभी हम भगवान का सेवक बन सकते हैं। तो वह हमें सिखा, श्री कृष्ण की जिंदगी से हमें सीखना। मर्त्यावतारस्तु, यह मर्त्य शिक्षा। और बुद्धावतार, शास्त्र का रहस्य, योग्य व्यक्ति को दो, अयोग्यों को मत दो। बौद्ध ने उपदेश दिया, सज्जनों को उसका अर्थ मालूम हुआ, दुर्जनों को विपरीत मालूम। वेपन्स देना है अपने सैनिकों के हाथ में दो, टेररिस्ट के हाथ में नहीं। विद्या बल शक्ति योग्य व्यक्ति को दो, अयोग्य व्यक्ति को कुछ भी मत। गौतम बुद्ध ने हमें यह सिखाया। हमारी जो चीज है योग्य व्यक्ति के हाथ में जाना चाहिए, वह उसका सोने में सुहाग ला करके देगा। उसके बाद कल्कि अवतार, कल्कि अवतार भगवान सिखाते हैं यह कलयुग है, हमेशा चौकन्ना रहो, हमेशा बी अलर्ट, नहीं तो दूसरा तुम लोगों को कली खा लेगा। कलकली की 5 मिनट की बातचीत में उसने परीक्षित राजा को अपने अंदर कर लिया। परीक्षित राजा के श्री कृष्ण के हाथ में जो पला था अपने वश में कर लिया। इसलिए हमें हर एक मिनट चौकन्ना रहना चाहिए। कल्कि चौकन्ना एक ऐसे सिखाता, कल्कि घोड़े के ऊपर बैठ कर आता। घोड़ा यह प्राणी ऐसा है भगवान की सृष्टि में, हमेशा चौकन्ना रहता। घोड़ा अपनी नींद खड़े होकर ही निकाल लेता, बैठकर सो करके नहीं।
जो बैठकर सोता है तो घोड़ा बस अभी मरने के लिए आया है, समझो इतना ही नहीं। घोड़े के शरीर में कोई मच्छर बैठा तो अपने पूंछ से नहीं उठाता, उसका पूंछ बहुत छोटा होता है, वह वहां के चमड़े को हिलाता है, मच्छर उड़ाता है। उसके चमड़े का हर एक मिलीमीटर जगह अलर्ट है। चाहे तो आप घोड़े के शरीर को हाथ लगा के देखिए, वहां का चमड़ा हिलता है, आपको उंगली निकालनी पड़ती है। अलर्टनेस के लिए घोड़ा अत्यंत श्रेष्ठ, इसके लिए मशीन के अलर्टनेस को क्या नाम देते हैं, हॉर्स, हाफ हॉर्स पावर, वन हॉर्स पावर, कभी एलिफेंट पावर ऐसा नाम दिया। इससे भी वो शक्तिशाली है, लेकिन शक्ति रह करके क्या फायदा, अलर्टनेस चाहिए। जिंदगी में जो जागृत है, उत्तिष्ठत है, जागृत है, कल की हमें यह सिखाता है। इसलिए परीक्षित, भगवान सिर्फ अनुग्रह नहीं करते हैं, हमको जिंदगी नहीं देते हैं, उसके साथ हमें शिक्षा भी देते हैं। इस तरह रहो, मेरे अनुग्रह का पात्र बनो, सुखी बनो और मोक्ष भी प्राप्त करो। मर्त्यावतारस्तु यह मर्त्य शिक्षण रक्षो वधाय न केवलम्। हनुमान भगवान की प्रार्थना करते हैं, राम की प्रार्थना, परमात्मा राक्षसों के मारे के लिए, असुरों को मारने के लिए आप नहीं आए हैं। उनका मारना है तो वैकुंठ में बैठकर गए, कौन से मर जाओ तो मर जाएगा, इधर आने की क्या जरूरत है, शिष्य मर जाओ तो मर जाएगा। उनको मारने के मिस से आ करके हमें नई शिक्षा हर एक अवतार से भगवान देते हैं। इसलिए सिर्फ भगवान के अवतार का नाम, मत्स्यायन वहां, कुरमायन वहां, वराहायन वहां, नाम लेने से फायदा नहीं है थोड़ा, लेकिन उनकी शिक्षा इस अवतार से क्या सिखाते हैं। इसके अलावा और 18 अवतार हैं, बीच बीच में पुराण के बीच में कथा में आता ही है, उस समय हम देखने को और परीक्षित फिर पूछता है कि भगवान में प्यार उत्पन्न होने के लिए इतना सब कुछ देने वाले भगवान को प्यार करना चाहिए कि नहीं, आप ही बोलिए। इतना शिक्षण हमें कौन देता है, इतना मार्गदर्शन दूसरा कौन दे सकता है, छोड़ दीजिए, पूरे विश्व का ज्ञान उन्होंने दिया। एक दिन नारद जी ब्रह्मा जी के पास आए, वो नारद ब्रह्मा जी का पुत्र, आपको पहले दिन ही मैंने बताया। उन्होंने कहा, पिताजी आप कितने बड़े हैं, इतना विश्व की सृष्टि करते हैं, चौरासी लाख तरह के शरीर, उसका गठन, उसके लिए आहार, उसके लिए एनवायरनमेंट, सब कुछ, आपके समान कोई नहीं है, ऐसा स्तोत्र करने का। ब्रह्मा जी ने पास बुलाया, कान पकड़ा, बैठ, अरे जो भी है, मैंने जो भी किया है उसका दिया हुआ है, मेरा नहीं। उस वक्त करने की शक्ति दी है, इसलिए मैं सृष्टि करता हूं, नहीं तो मेरे की हुई सृष्टि उठती भी नहीं। सुबह इस तरह से आपको कहा गया है, नो दिठ तदा विराट, इसके यहां जो है वही मैंने वहां पर कहा है, इसके लिए यहां इसका विस्तार नहीं। सृष्टि के लिए जो जड़ चाहिए उसको रूप दे करके भगवान ने भेजा, चेतन को क्या देना चाहिए, लिंग शरीर अनिरुद्ध शरीर, वह भी दे करके भेजा, और शरीर की उत्पत्ति करने के लिए, पालन करने के लिए देवताओं को भी भेजा, स्वयं भी आकर के बैठे, हमारे शरीर का काम चल रहा है। मेरी आंख नहीं देख रही है,
मेरे आंख में भगवान ने सूरज को और चंद्र को रखा। सूरज और चंद्र की प्रकाश पहले इस वस्तु में उसके उसके ऊपर गिरता है, वहां से रिफ्लेक्ट होकर के वो वस्तु मुझे दिखाई देता है। साइंस में आपने पढ़ा है, शरीर आंखों की ज्योति वस्तु के ऊपर पढ़ करके उसका प्रतिफलन हमारे आंखों में होता है। साइंस भी, साइंस से हमारा पुराण दूर नहीं है यार। तो वह रिफ्लेक्ट भी करने, एक जड़ आंख करता है, निकाल करके यहां रखो, देखता है क्या? देखो नहीं। और उसके बाद वहां पर सूर्य चंद्र को बैठा, लेकिन सूर्य चंद्र को भी कुछ नहीं कर सके। वहां पर भगवान आकर के बैठ गए, माधवाय नमः गोविंदाय। इतना ही नहीं, सब कुछ बताने के बाद नारद पूछते हैं, सबसे पहले भगवान ने आपको क्या उपदेश दिया बताओ? तब उसने कहा, देखो जब कमल के ऊपर मैंने जन्म लिया, सोचने के लिए तपा तपा ऐसा भगवान ने मुझे कहा, सोचते सोचते ज्यादा मार्ग मुझे नहीं सोचा, मैं भगवान से प्रार्थना करने लगा। भगवान आए और पूरे तत्वज्ञान को सिर्फ चार श्लोकों में मुझे बता दिया। पूरे भागवत को बताया, पूरे भागवत का सार भगवान के उस चार श्लोकों में, चतुश्लोक। नारद कहते हैं, मुझे बताओ ये चार श्लोक कौन से हैं? भगवान ब्रह्मा जी से कहते हैं, देखो ब्रह्मा जी मेरे बात को ध्यान से सुनो, आप ये ध्यान से सुनो। ज्ञानम परम गुह्यम में यत विज्ञान समन्वितम सहरस्यम तदंगंच ग्रहण गदितम। मैं आपको पूरा रहस्य के साथ ज्ञान तुम्हें मैं दे रहा हूं, रहस्य के साथ, सूक्ष्मता के साथ, इंपॉर्टेंट के साथ तुम्हें ज्ञान दे रहा हूं। मन लगा करके सुन, भागवत सुनते समय में भी आप इन शब्दों को अपने कान रूपे मुंह से पीते रहना चाहिए। एक शब्द भी आगे पीछे हुआ, कनेक्शन चला जाएगा। भगवान वही कहता है, उपदेश सुनते समय वह एकाग्रता जाए। अहम एवा समग्रेच नान न अन्यत यत सदसत्परम पश्चादहम यदे तच्च यो अवशिष्येत स्वस्मि। सृष्टि का मूल क्या है? सृष्टि से पहले कौन थे? जिनके द्वारा सृष्टि शुरू हो गई वो हम मैं हूं। आदि में मैं, सृष्टि जहां जितने दिन रहती है मैं भी सब वस्तुओं में मैं, प्रलय होने के बाद रहने वाला हूं मैं, भूत वर्तमान भविष्य मेरे कारण से पूरा संसार है, मेरे बिना किसी का भी अस्तित्व नहीं है, एग्जिस्टेंस ही नहीं। मैं हूं उस वस्तु का एग्जिस्टेंस है, मैं नहीं उसका एग्जिस्टेंस नहीं। सत्ता प्रवृत्ति प्रमिति, सत्ता एग्जिस्टेंस मेरे बारे में, आपकी प्रवृत्ति मेरे कारण, आपके आपका ज्ञान मेरे कारण। रावण को राम ने हत्या की, सब देवता खुश हो गए, आकाश से पुष्प वृष्टि हुई, सब देवताएं भगवान की स्तुति करने लगे। शंकर जी को थोड़ा गुस्सा है,
क्योंकि शंकर जी ने रावण को अपना पुत्र माना था, बहुत सारे वर दिए थे, इसलिए कुछ प्लस पॉइंट रावण के ऊपर उनका था। उन्होंने कहा, राम तुमने मेरे रावण को मार करके बहुत बुरा किया, मैंने इतने वर दिया था फिर भी उसका उल्लंघन तुमने किया है, तो इसके लिए मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे साथ युद्ध करूं। रावण को क्या मारा, मेरे साथ युद्ध करो। शंकर भगवान के राम के बहुत प्यारे, लेकिन उस समय मोह से उनका मन भी उल्टा हो गया। भगवान ने कहा ठीक है, तो एक धनुष मान लो, मैं भी एक धनुष मान लिया। दोनों ने अपने बाण तैयार युद्ध के लिए। भगवान में उस भगवान शंकर में रहने वाले अपने रूप को अपने यहां बुला लिया। शंकर जी बाण छोड़ना दूर लड़खड़ाने लगे, गिर गए मूर्छित हो। जब तक भगवान है तब तक वह वस्तु है, सत्ता प्रवृत्ति है और प्रमिति भी है। उठने के बाद शंकर ने कहा, भगवान आप तो मेरे आराध्य हैं। इसलिए वही शंकर ने अपनी पत्नी को बोला, भगवान को खुश करना है तो विष्णु सहस्र नाम बोलना है तो समय नहीं है तो बोलो राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम। राम के परम भक्त शंकर जी, लेकिन भगवान ने दिखा दिया मेरे बिना शंकर भी एक, जिस शंकर भगवान पूरे संसार के हर एक व्यक्ति के मन पर अपना अधिकार रखते हैं और हर एक को भगवान के मन लगाने के लिए सिखाते हैं, वे भी भगवान के बिना जीरो, उन्हें छोड़ दीजिए। महालक्ष्मी कहती है, यश्याल अपांगल मातृता ऊर्जित आशा श्री, भगवान के कृपा से मैं हूं, भगवान की कृपा मुश्किल से हट गई, मैं एक घास से भी बदतर, उतना भी कुछ नहीं कर सकता। तो इसके लिए सृष्टि के आदि में वह, सृष्टि के मध्य में वह, बाद में पूरे सृष्टि को अपने पेट में रख करके रहने वाले अकेले व्यक्ति मैं। इसलिए ओरिजिनल ऑफ वर्ल्ड यूनिवर्स, ओरिजिन ऑफ लाइफ, तर्क से सोचते सोचते बैठे, लेकिन मैं हूं याद रख। ठीक है भगवान, अब सृष्टि क्यों करते हैं, इतने लोगों को सृष्टि में क्यों लाते हैं, इतने लोगों में रहकर उनका उपकार क्यों करते हैं, आपको क्या मिलता है। ऋतेर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि पश्चादहं तद्वित्यात् आत्मनो मायां यथाभासो यथातमा। भगवान सृष्टि करने से भगवान को कुछ मिलता है तो भगवान अपूर्ण है, सृष्टि करने के बाद खुश होते हैं, पहले अपूर्ण है, वह भी गलत। बिना प्रयोजन के सृष्टि करते हैं, उनको कुछ नहीं मिलता फिर भी सृष्टि करते हैं तो पागल है। बिना प्रयोजन के कोई कुछ काम करता है क्या, बताए संसार में कोई ऐसा व्यक्ति, उसको मुझको कुछ नहीं चाहिए मैं भी करता हूं, कोई भी नहीं, कम से कम उसको आनंद मिलता है उसमें सेवा में। पागल ही ऐसा होता है बिना काम के बड़बड़ाता रहता है, हंसता रहता है, कूदता रहता है, क्या भगवान पागल है। बिना प्रयोजन के सृष्टि करते हैं तो भी गलत, प्रयोजन के लिए सृष्टि करते हैं तो गलत, क्यों करते हैं। इस प्रश्न का उत्तर भगवान बोलते हैं, सृष्टि करना मेरा काम, मेरा स्वभाव, यह मेरे आनंद की अभिव्यक्ति, इसके लिए प्रयोजन की जरूरत नहीं। कुछ लोग कुर्सी के ऊपर बैठे हुए बातचीत करते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, लेकिन पैर हिलता रहता है,
क्या फायदा है? कुछ लोग सुनते समय ऐसा ऐसे करते रहते, क्योंकि वो उनका स्वभाव है, लाभ भी नहीं हानि भी नहीं। और दूसरी बात, गर्मी के दिन बाहर से आए स्नान करने के लिए, शॉवर के नीचे खड़े हो गए, गाना शुरू हो गया, बाथरूम सिंगर, वहां सुनने के लिए कौन है? किसी को सुनाते हैं? सुनाते हैं क्या? आनंद की अभिव्यक्ति, आनंद की अभिव्यक्ति के लिए कोई प्रयोजन की जरूरत नहीं है। यह पूरा संसार भगवान के आनंद की अभिव्यक्ति है, प्रयोजन की जरूरत नहीं है। प्रयोजन के बिना भी हम प्रयोगकार कर रहे हैं, यह मेरे विशिष्टता है, याद रखो। इसलिए भगवान के द्वारा यह सृष्टि। ठीक है भगवान, आप कहाँ हैं? वैकुंठ में है? तो हमारे हमारे लिए क्या कर रहे हैं इधर? यहाँ ही तो उन वैकुंठ में कौन है? भगवान कहते हैं मैं सब जगह हूं, छूट सब जगह रह ही नहीं सकते। आप हाथी में तो चावल में नहीं है, चावल में है तो हाथ में नहीं रह सकते। क्या उतना बड़ा भगवान चावल में रह सकता है? एक आदमी एक बड़े वस्तु में रह सकता है या छोटे वस्तु में रह सकता है? बड़े छोटे एक ही समय में कैसे रह सकता है बोलो? छोटे में रहने के लिए छोटा होना पड़ता है, बड़े में रहने के बड़ा होना पड़ता है। आप कौन है? बड़े हैं और या छोटे हैं? महान है या अणु है? बताओ। भगवान कहते हैं छोटे में छोटा बड़े में बड़ा होकर रहने वाला एक वस्तु है, वह है स्पेस, जगह, आकाश। चावल के अंदर भी जगह है, हाथी के अंदर भी जगह है, हाथी के बाहर भी है, संसार के बाहर भी है, एटम में भी है। उसी तरह मैं भी अणुरणीयान महत्व में, मैं अंदर भी हूं बाहर भी हूं सब जगह हूं, मेरे कारण इस पूरे संसार का अस्तित्व है। और इसी को जानना तत्वज्ञान है। कोई भी फिलोसफी क्लास के अंदर आने से पहले इतना एलिमेंटरी ज्ञान उनका उसका जरूरत है। सृष्टि का आदि अंत्य मध्य भगवान है, भगवान अपने प्रयोजन के बिना हमारे लिए उपकार कर रहे हैं, और भगवान सब जगह व्याप्त, आदि अंत और मध्य में वह है, इसलिए विश्वास रख सकते हैं। नहीं तो आज विश्वास रखा वो चला गया तो विश्वास भंग, ऐसा नहीं होता। विश्वास रख सकते हैं, बिना प्रयोजन के लिए हमें उपकार करता है, हम बिंदास उस पर विश्वास रख सकते हैं, क्योंकि उसका कुछ प्रयोजन नहीं, हमसे कुछ पाना नहीं है, देना ही है उसका काम। और तीसरा, हम अंदर भी है बाहर भी है, हमेशा हमारा विवक्षण देख रहा है, विश्वास। इसी को जानना यह तत्वज्ञान है, इसी को बढ़ाना शास्त्र ज्ञान। इस तरह कहने के बाद परीक्षित कहते हैं आप कितने उपकारी, कितने विशिष्ट रूप से मुझ पर इतने उपकार करते हैं आपने, कहा। तो आपका इतना उपकार पाकर भी जो व्यक्ति आपको देखने के लिए नहीं चाहता है उसकी आंखें व्यर्थ है, उसकी आंखें मोर के पंख में रहने वाले आंखों के जैसे सिर्फ आंखें हैं, उसका कुछ फायदा नहीं। मोर के पंखों की आंखें देख सकते हैं, आंख का वहां करके मोर हरेक पंख को देखो। और जिसके कान आपकी महिमा नहीं सुनता है, वह ये दीवार में जो भोक है उसके जैसे ये भी दो भोक यहां पर, और कुछ। और जिसकी जीभ आपका नामस्मरण नहीं करता,
वह बरसात के समय में टर 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 मेढक की आवाज, मेढक के दांत के जैसे उनके जीभ के जैसे उनका चीख। जिनका हाथ भगवान की पूजा नहीं करता है मुर्दे के हाथ के जैसे हैं, मुर्दे का हाथ भी ऐसा पड़ा हुआ रहता है, ये पूजा करने वालों का हाथ भी ऐसा ही, भगवान की पूजा के लिए हाथ आते आगे ही नहीं। जिनके पैर मंदिर को नहीं जाते हैं, सत्संग को नहीं जाते हैं, वे कुत्ते के पैर के जैसे हैं। कुत्ते को नहलाओ, बहुत मूल्यवान साबुन से नहलाओ, फिर वह जाकर के कचरे कचरे के कुंडी में अपना पैर से जमीन को रेतना शुरू करता। इसलिए भगवान जो अवयव दिए हैं भगवान के लिए उसे देखो। ये 4 श्लोक के जो भागवत भगवान ने ब्रह्मा जी को बताया, उसी भगवा भागवत को विस्तार करके ब्रह्मा जी ने नारद को उपदेश दिया। नारद जी ने वेदव्यास जी से प्रार्थना की, वेदव्यास जी ने उसे 18,000 में विस्तार किया और शुकाचार्य को पढ़ाया, शुकाचार्य ने परीक्षित को उपदेश दिया और सूताचार्य को उपदेश दिया। यह एक क्रम है। दूसरा एक क्रम है, शेष से आई भगवान शंकरषण ने शेष जा को भागवत का उपदेश दिया, मेरा क्रम वहां से एक भागवत आ रही है। और शेष ने अपने शिष्य सांख्यायन को इसका उपदेश दिया, सांख्यायन ने पराशर ऋषि को उपदेश दिया, पराशर ने मैत्रेय ऋषि को उपदेश दिया, मैत्रेय ऋषि ने विदुर को उपदेश दिया। यह दूसरी परंपरा है। और एक परंपरा है, स्वयं भगवान ने मैत्रेय और उद्धव को बिठा करके भागवत को उपदेश दिया। इसलिए इतना बड़ा इतना श्रेष्ठ ग्रंथ है जो स्वयं भगवान से मुख से आया हुआ है, विष्णु के मुख से और सेठ साई के मुख से और कृष्ण के से मुख से आया, इतना पवित्र ग्रंथ है। यही परीक्षित तुम्हें मैं बता रहा हूं। परीक्षित क्या और एक बार बताओ, विदुर ने मैत्रेय से इस भागवत को सुना? अरे वे तो विदुर तो हमारे कुल के पांडवों के चाचा थे, वे कब मैत्रेय से मिले और क्या पूछा, मैत्रेय ने उनको भागवत क्या कहा वो मुझे बताओ, बताऊंगा 10 मिनट के लिए। भगवान का नाम लीजिए।